एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन किया गया है, जिसके तहत सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को निशुल्क में प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न दिए जाने का प्रावधान किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बारा थाना क्षेत्र के गन्ने ग्राम सभा की आदिवासी बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए इस लॉकडाउन में पीने के पानी की समस्या सबसे गंभीर बनी हुई है, जहां बस्ती में लगे 3 हैंडपंप विगत 1 वर्ष से खराब पड़े हुए हैं, तो वहीं नहरों में भी पानी ना आने के कारण इस बस्ती के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं और पहाड़ के आसपास बनी गहरी खदानों में एकत्र गंदे पानी को ही पीने के लिए मजबूर है। बस्ती के गरीब लोगों के द्वारा कहा गया है कि सरकार लॉकडाउन में खाना तो दे रही है, पर पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मनोज कुमार की खास रिपोर्ट।